कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में युवा कांग्रेस की ओर से पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। आज से शुरू हो रही ये क्रमिक भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इन लोगों की मांगे सरकार नहीं मान देती है। वहीं शाहपुर से ताल्लुक रखने वाले युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज पंकु की अगुवाई में शुरू हुई इस हड़ताल के दौरान पंकज पंकु ने कहा कि प्रदेश में लगातार भर्तियों में धांधलियों पे धांधलियां होती जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। लगातार युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। युवा आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के बाद अब डीजीपी संजय कुंडू को पद से रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए और इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए ताकि मामले की जांच निष्पक्षता के साथ हो सके। सर, आपको जैसे पता है ये जो जयराम सरकार है हमेशा युवा विरोधी सरकार रही है, ना तो इनको रोजगार का कोई लेना देना है। और जो यहाँ पर पुलिस पेपर लीक हुआ है उस मामले में हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस पेपर लीक मामला है इसकी जो जांच है वो सेटिंग हाई जज से की करवाई जाए और साथ में डीजीपी जो हमारे डीजीपी हैं उनको मतलब एकदम से बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर जो एसआईटी की कमेटी गठित हुई है उनको फुल फ्लैज यहाँ पर पावर दी जाए कि वो इस जांच को निष्पक्ष तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो जैसे विमुक्त रंजन जी हैं, हमारे यहाँ के खुशहाल जी हैं, जो एसआईटी के पूरी टीम बनी है, अच्छे से ये यहाँ पर जो है इसकी जांच कर सकती है। तो हमारी मांग है कि डीजीपी कुंडू जी को हटाया जाए, साथ में हमारी मांग है सिटिंग जो हाईकोर्ट का उस उनके नेतृत्व में ये जो भी जांच हो रही है, क्योंकि आपको पता है चोर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है। कहीं ना कहीं हमें तो ये संशय है कि हो सकता है पुलिस के कोई बड़े अधिकारी या कोई सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा जो है इसमें बीच में संलिप्त हो। तो ऐसे में मैं और एक और हमारी मांग है युवा कांग्रेस की कि यहाँ पर आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज जो है पूरी होती जा रही है, तो हमारी ये मांग रहेगी कि उन बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाए, उनकी जो एज हो रही है उनको एक या दो साल की रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि उनका क्या कसूर है। दो तीन दिन पहले एक यहाँ पर टांडा में एक लड़की ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, उनका ये बोलना है कि हमारी क्या गलती है, हमने तो ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया है या जिन्होंने ये काम करवाया है। तो युवा कांग्रेस ये चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने लगे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती तो ये क्रमिक भूख हड़ताल ऐसे रहेगी, उसके बाद अनिश्चितकाल पर हम ये भूख हड़ताल करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, हर जगह सरकार का घेराव किया जाएगा, सरकार के नुमाइंदों का, हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी का और बीजेपी सरकार का घेराव किया जाएगा। जी, सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।